भाई टूरिज्म होना चाहिए, सड़क होनी चाहिए और लाल दमन का ये स्टेडियम बनना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। और हम हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साथ हैं और मरने तक भी है, मरेंगे तब भी इनके साथ हैं। कहीं आपको पिछड़ा हुआ समझ रहे कि आप बिछड़े हुए दूर पार इलाके के? नहीं, बिछड़े हुए थे, अब नहीं है। बिछड़े हुए हम नहीं है, बिछड़े हुए गवर्नमेंट है जो हमें साथ नहीं रखती है, नहीं तो हम तो गवर्नमेंट का चाहत करते ही हैं। शुक्रिया। तो ये बिल्डिंग है, इसका जो काम है भाई साहब, तो ये बिल्कुल इसका जो काम है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। और दूसरा, इसको जब बनाई गई है तो इसको अकोमोडेशन जो पूरी जो इसमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी लोगों को, आम व्यक्तियों को, जो टूरिस्ट है, टूरिस्ट आएगा कब? जब इसके उसको यहाँ पे पानी मिलेगा, बिजली होगी, यहाँ पे बैठने के लिए साधन होगा, तभी आएगा यहाँ पे, रात को स्टे करेगा। क्योंकि आपको पहले ही पता है कि रोड की खस्ता हालत है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो टूरिस्ट सोचते हैं चलो सड़क नहीं तो अंदर बैठने की जगह मिलेगी, रात को यहाँ पे स्टे करेगा, यहाँ पे नेचुरल हवा एक दो दिन के लिए लेगा। लेकिन सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज्म विभाग, मुझे लगता है अभी रिसेंटली अभी हमने देखा कि 80-85 लाख और भी यहाँ के लिए सैंक्शन हुआ। जब ये पुराना 1.5 करोड़ यहाँ पे अगर सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है और उसको फंक्शन नहीं किया जा रहा है, तो बाकी पैसा आएगा उसको कैसे यूटिलाइज किया जाएगा? तो वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खड़ा होता है कि आप चीजें चाहता हूँ मैं। तो पहले चाहता हूँ जो यहाँ पे काम इन्होंने, जो पहले ठेकेदार ने जो टेंडर 1.5 करोड़ का निकला था, उस पे जो कंप्लीशन होनी थी, जो कंप्लीशन वर्क होना था, मान के चलो कोई बिल्डिंग बन दी है, रईस भाई साहब हम बाथरूम बनाते हैं, उसको पेंट करते हैं, अगर इतनी टूरिज्म की बिल्डिंग है, 1.5 करोड़ खर्चा, क्या इनके पास 10 या 50 हजार या 30 हजार नहीं था पेंट करने के लिए? नहीं, वहीं से टूरिज्म विभाग किस तरह से डोडा में खास तौर पर काम कर रहा है, तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्ट्रेट लाइन के माध्यम से। अभी हम लाल रमन में हैं और यहाँ पर टूरिज्म की तरफ से जो है एक बिल्डिंग बनाई गई और जिसका एस्टिमेट जो था लगभग 1 करोड़ रुपए था। यहीं के कुछ रहने वाले लोग हैं, सबसे पहले इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो बिल्डिंग टूरिज्म विभाग ने जो है लाल रमन में बनाई है कहीं ना कहीं टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, उस बिल्डिंग की हालत क्या है, किस तरह का मटेरियल यहाँ पर लगा और किसने कितने टाइम से डिफंक्ट पड़ी हुई है, यहीं के लोगों से बात करेंगे और यहीं के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम माजिद अली भट्ट। माजिद जी, आपसे जानना चाहूँगा जिस तरह टूरिज्म विभाग डोडा में काम कर रहा था और कहीं ना कहीं लाल दमन में भी आया हुआ था और एक बिल्डिंग जो है यहाँ पर बनाई थी टूरिज्म ने, क्या लगता है पिछले कई सालों से ये बिल्डिंग बनी हुई है, डिफंक्ट पड़ी हुई है, किसी भी काम की नहीं है, ना ही कोई बदलाव इस बिल्डिंग में हुआ, क्या कुछ कहना चाहोगे इस पे आप? देखिए, आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आपने हमारी बात जो है आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा रहे हैं, तो इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये बिल्डिंग जो है हम आपने खुद ही देखी, ये बिल्डिंग जो है इसका काम लगभग 2013 से शुरू हुआ है और लगभग इसको 7-8 साल जो है अभी इनकम्प्लीट ही है, मैं कम्प्लीट नहीं कहूँगा, जो आपके सामने ये जो बना हुआ है ये इसको 7-8 साल लगे और उसके बावजूद भी ये जो है इनकम्प्लीट है, पेमेंट इसकी हो चुकी है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसका जो मटेरियल लगा हुआ है आपने खुद ही देखा होगा, इसका मटेरियल जो है 1:20 लगा है, 1:15 लगा है, वो पता नहीं है। तो जैसे हमें सामने जो हमारे नज़र आ रहा है तो उस हिसाब से तो 1:20 ही मुझे लगता है मटेरियल लगा हुआ है। और मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि जो इंजीनियर जिसने जो इसका जो नक्शा पास किया है और इसका एस्टिमेट जो जिस इंजीनियर ने बनाया है, मैं पूछना चाहता हूँ कि वो उस इंजीनियर ने अपनी जो पढ़ाई है वो कहाँ से हासिल की है? और जो यहाँ पे एक टैंक भी बना हुआ है, आपको मैं वो टैंक भी दिखाऊँगा, तो उस टैंक को जो है आपने देखा होगा कि जब हम घरों में या कहीं और भी टैंक देखते हैं तो वो बजरी में बनाया जाता है और उसको सरिया वगैरह जो है कंक्रीट में जो है वो बनाया जाता है, सरिया वगैरह के साथ वो बनाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि यहाँ लोकल ईंटें जो है यहाँ की गाँव में कच्ची, वो भी समझिए कच्ची ईंटें हैं, वो उसके ज़रिए से जो है वो ईंटें लगा के यहाँ पे टैंक बनाया गया है जो कि 2-3 महीने के बाद ही गिर गया था। तो बाकी आपसे पहले एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप मुझे इतना बताओ कि आखिर ये बिल्डिंग यहाँ पर बनाई क्यों गई थी? ये बिल्डिंग जो है ये जो टूरिस्ट लोग हैं उनके लिए बनाई गई थी कि वो आए और उनको जो है रात का जो समय वो यहाँ गुजारें तो उनको कोई मुश्किलात ना हो। तो टूरिस्ट कोई आया? टूरिस्ट आए कैसे? टूरिस्ट जो आता है वो, मैंने आपको पहले कहा कि टूरिस्ट जो आता है वो एक ही बार अगर आए तो वो दिन में ही चला जाता है, दोबारा वो यहाँ नहीं आता है। तो इसकी हालत जो है वो बहुत खस्ता हालत है इसकी, यहाँ कोई रहने के लायक जो है ये जगह अंदर नहीं है, आप अंदर
भी देख ले, इसका मुआयना जो है आप अंदर भी करें। बिल्कुल कहीं ना कहीं टूरिज्म विभाग की तरफ से लगभग 1 करोड़ का एस्टिमेशन था यहाँ पर, तो वो तो उन्होंने मिलजुल के खाया होगा, ठेकेदार और जो वो टूरिज्म वाले हैं डिपार्टमेंट जो है उन्होंने मिलजुल के खाया। तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं जगाना चाहता हूँ कि इसकी तरफ गौर की जाए। इस पर हमने पहले भी न्यूज़ बनाई थी लेकिन कोई जो है इसकी तरफ रद्द अमल नहीं हुआ था। फिर हमने गवर्नर साहब को एक लेटर लिखा, गवर्नर साहब ने उनको अपने लेटर के माध्यम से उनको पूछा, जो टूरिज्म विभाग है उनसे पूछा, तो उसके लिए उन्होंने वहाँ से एक लेटर जो है मतलब मेरे नाम पे एक लेटर उन्होंने लिखा कि हम जी यहाँ पे कुछ पैसे जो है सेंक्शन कर रहे हैं, 80 लाख इसकी फेंसिंग करेंगे वगैरह। बात हमने उनको पूछी थी कि इसका हाल इसकी हालत जो है इसकी हालत ऐसी क्यों है, तो बदले में वो वहाँ से लिखते हैं कि हमने जी यहाँ पे पैसा जो है फेंसिंग के लिए किया है वगैरह वगैरह। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि सवाल के जवाब नहीं, वो तो समझिए, वो तो उन्हें कोई अपने घर का नहीं देना था, फेंसिंग तो इसको करनी थी। जैसे हर जगह टूरिज्म स्पॉट जो है वहाँ फेंसिंग होती है, पैसा लगता है, वो तो लगता है, तो वो तो अलग बात है, पैसा तो यहाँ पे लगाना है गवर्नमेंट को। तो टूरिस्ट कहा जा रहा था लेकिन हमने जो 1 करोड़ पे आया है 2-3 जगहों पे थोड़ा थोड़ा लगना था, लेकिन जितना पैसा देखने में आया यहीं पर लगा, उसके अलावा कहीं लगा नहीं। क्या लगता है जिस तरह टूरिज्म विभाग अभी खास तौर पर डोडा डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है, क्या लगता है किसी लायक है? नहीं नहीं नहीं, देखिए जो डोडा में काम कर रही है टूरिस्ट डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे काम कर टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहा है, बिल्कुल मैं कहूँगा कि अच्छे से काम जो है वो नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ की हालात देखिए, आप या रई जो है एक दूसरी जगह भी है हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो दूसरे नंबर पर शायद आई है, तो वहाँ पर भी और यहाँ पर भी, चलो वहाँ की बात तो छोड़िए, वहाँ तो एक नाला है लेकिन यहाँ पर एक खूबसूरत एक सीनरी आपको मिलेगी देखने के लिए। तो यहाँ पर जो पैसा यूटिलाइज हो रहा है उसको अच्छे से कम से कम जो है वो अच्छे से लगानी चाहिए पैसा, बिल्डिंग अच्छे से बननी चाहिए, बाकी अगर इसके बाद भी जो फेंसिंग वगैरह होनी है वो भी अच्छे से होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। वो इनकी मिली भगत है क्या है वो हमें कुछ समझ नहीं आ रही है। तो चलो कोशिश करेंगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे। नाम है आपका? हफीज़ुल्लाह जी, आपसे जानना चाहूँगा, आप यहीं लाल दमन में रहते हैं, तो आपसे जानना चाहूँगे बिल्डिंग यहाँ पर बनी थी, टूरिज्म विभाग ने बनाई थी, क्या लगता है इस बिल्डिंग के बनने के बाद कुछ फ़ायदा यहाँ के लोगों को मिला? नहीं, जब टूरिज्म ही नहीं आया, यहाँ आते हैं देखने को तो देखने को उनको कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए वो ऐसे देख रहे हैं कि यहाँ बैठें तो बैठें कैसे, तो वो भी नहीं आते हैं। सिर्फ टूरिज्म नाम रखा है, बनाया कुछ नहीं है, क्योंकि अगर बनाएंगे तो फिर ये इन टूरिज्म के लायक होना चाहिए था, टूरिज्म आते बैठते तो इन हमें भी कुछ मिलता, तो वो नहीं है, यहाँ मिली भगत है, यहाँ वो काम नहीं हो रहा है जो होना था। नहीं, आपसे जानना चाहूँगा जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब किस तरह की खुशी आपको हो रही थी? बहुत खुशी कि आप टूरिज्म क्वार्टर बन रहा है, अब टूरिज्म आएंगे, लेकिन टूरिज्म क्वार्टर का नाम ही जितना सुना हमने, बनने के लिए बना कुछ नहीं। टैंक भी, सेफ्टी टैंक भी यहाँ पर? हाँ, सेफ्टी टैंक ऐसे कच्ची ईंटों का सेफ्टी टैंक बनता है, वो नहीं बन सकता है। अब इन्होंने टैंक इसलिए बनाया, अब ऊपर से पर्दा डाला नहीं है, अभी अगर पर्दा डाला होता तो वो दीवारें गिरी हुई आपको नजर नहीं आता है, लेकिन वो ये लेंटर भी डाला था, लेकिन कुछ नहीं है, ये सब कुछ मिली भगत है, हमारे लिए हमारी बदकिस्मती है, सजान वालों की, खास करके लाल दमन रहने वालों की, अगर लाल दमन रहने वालों की इन बदकिस्मती नहीं होती। आप मुझे एक चीज़ बताएं, यहीं से जाती क्यों हो रही सजान के लोगों के साथ, लाल दमन के लोगों के साथ? ना ही यहाँ पर सड़क है, ना ही यहाँ पर टूरिज्म है, ना ही यहाँ पर कोई फंक्शन यहाँ पर होते हैं, इतना खूबसूरत जगह है लाल दमन, काफ़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन ना ही यहाँ पर टूरिस्ट है, क्या लगता है आपको क्यों जाती जो है आपके साथ की जा रही है? अब ये तो वही जानते हैं जो हमारे साथ जाती कर रहे हैं, जाती इसलिए कर रहे हैं कि लाल दमन क्यों बने, सजान क्यों बने, तो हम भी चाहते थे कुछ न कुछ बने, चलो ये हमें भी हाथ आए कुछ देखें, यानी अपनी ज़िंदगी में, हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ देखा ही नहीं, आज के बाद टूरिज्म बनाए कुछ बनाए, हमारे काम का तो है ही नहीं। नहीं, क्या लगता है कहा जा रहा था कि 370 हटने के बाद बदलाव होगा, तो बदलाव कहाँ हुआ, बदलाव होना चाहिए था ना, अब बदलाव सिर्फ ज़बान पर है, कर नहीं रहे हैं, बदलाव प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब मतलब आप यहाँ आए, आपने ये काम किया, अब हम इस काम को काम कह सकते हैं, अगर आप भी आगे नहीं देंगे, यहीं हमें
ये हमारे से दिमाग ये खर्च कराएंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप देंगे आगे कुछ तो ज़रूर ये ना हमें भी मिल जाएगा, ज़रूर आप ये कहेंगे। तो क्या दे क्या है आप? बस टूरिज्म होना चाहिए, सड़क होनी चाहिए और लाल दमन का ये स्टेडियम बनना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। और हम हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साथ हैं और मरने तक भी है, मरेंगे तब भी इनके साथ ही। कहीं आपको पिछड़ा हुआ समझ रहे कि आप बिछड़े हुए एक दूर पार इलाके के? नहीं, बिछड़े हुए थे अब नहीं है, बिछड़े हुए हम नहीं है, बिछड़े हुए गवर्नमेंट है जो हमें ये साथ नहीं रखती है, नहीं तो हम तो गवर्नमेंट का चाहत करते ही हैं। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं क्या कुछ कहना इनका था। सर आपसे भी जानना चाहूँगा, टूरिज्म विभाग की तरफ से बिल्डिंग बनाई गई, टैंक बनाया गया, कहा जा रहा था बदलाव होगा, टूरिज्म को जो है पोटेंशियल दिया जाएगा, आने वाले टाइम में रोज़गार यहाँ के लोगों को मिलेगा, क्या लगता है कुछ हुआ? देखिए सबसे पहले जब ये बिल्डिंग बन रही थी लोगों में ये होप था, पहले बनी थी फॉरेस्ट की तो वो अच्छी बिल्डिंग है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट ने पर्सनल बनाई है तो वो वहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठते हैं, तो वहाँ पे देखो वहाँ पे हर एक चीज़ आपको अंदर देखोगे तो बहुत सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी, बैठने को मिलेगी। लेकिन जो आम व्यक्ति जो हमारा जैसा आम व्यक्तियों का जैसा जो यहाँ पे आए जैसा आपके जैसा भी जो यहाँ पे आए, अगर मान के चलो आपको मन करता है कि रात को आज स्टे करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे पीछे भी इशू है, कुछ लोग जम्मू से आए थे, टूरिस्ट साथी थे हमारे दोस्त थे, वो यहाँ पे आए, जब उन्होंने यहाँ पे बात की कि हम इसी बिल्डिंग में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको यहाँ भी रहने के लिए नहीं दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, एक तो ये बिल्डिंग है इसका जो काम है भाई साहब, तो ये बिल्कुल इसका जो काम है वो सही तरीके से नहीं हुआ है, और दूसरा इसको जब बनाई गई है तो इसको एकोमोडेशन जो पूरी जो इसमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी लोगों को, आम व्यक्तियों को, जो टूरिस्ट है, टूरिस्ट आएगा कब? जब उसको यहाँ पे पानी मिलेगा, बिजली होगी, यहाँ पे बैठने के लिए साधन होगा, तभी आएगा यहाँ पे रात को स्टे करेगा, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि रोड की खस्ता हालत है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो टूरिस्ट सोचता है चलो सड़क नहीं तो अंदर बैठने की जगह बैठने की जगह मिलेगी, रात को यहाँ पे स्टे करेगा, यहाँ पे नेचुरल हवा एक दो दिन के लिए लेगा। लेकिन सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज्म विभाग, मुझे लगता है अभी रिसेंटली अपने हमने देखा कि 80-85 लाख और भी यहाँ के लिए सेंक्शन हुआ, जब ये पुराना 1.5 करोड़ यहाँ पे अगर सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है और उसको फंक्शन नहीं किया जा रहा है तो बाकी पैसा आएगा उसको कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खड़ा होता कि आप हाँ। और आपने देखा कि साथ में हमने ये भी देखा थोड़ा दे आप इधर तक आए, हमने देखा कि ये टैंक यहाँ पर बना हुआ था और इस टैंक की हालत, अभी टैंक गंद रखने के लिए था, स्वच्छ भारत की कंपेन चलाने के लिए था, क्योंकि जिस तरह की हालात इस टैंक के अंदर है, हमने देखा कि दीवारें यहाँ पर गिरी हुई है, ईंटें रखी हुई थी वो गिरी हुई, क्या लगता है ये टैंक अब किस लिए बनाया गया? क्या स्वच्छ भारत की जितनी भी गंदगी लाल दमन में आती है वो यहाँ पर डालनी है, या जो यहाँ पर पानी की सुविधा के लिए टैंक बनाया जाता है या सेफ्टी टैंक वगैरह बनाया जाता है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पे पहले मुझे सुनने में आया कि यहाँ पे इसको लेंटर भी पड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं ये पाइप भी हमें देखने को मिलती है, तो ये बाथरूम की पाइप अंदर से आधी दिख रही है, तो ये जो इन्होंने बाथरूम बनाया आप देख सकते हैं एक ईंट पड़ी है भाई साहब, सीधा इन्होंने कटाई दी और कटाई में बिल्कुल सफाई दी और साथ में उन्होंने क्या किया एक एक ईंट, और वो भी कच्ची यहाँ की लोकल ईंट लगाई, अगर वो कहीं बाहर की ईंट होती और वो भी डबल ईंट होती और उसमें प्लास्टर होता मानते उसके बाद प्लास्टर होता 9 इंच होती तो वो भी चलती, जम्मू वाली जो ईंट है वो चलती और उसमें कहीं ना कहीं यहाँ की बाथरूम की फैसिलिटी भी अच्छी बनी रहती। नहीं, एक चीज आपसे जानना चाहिए, यहाँ के लोगों को आकर विभाग समझता क्या है ये आप थोड़ा मुझे बताएं। मुझे क्योंकि यहाँ के लोग, मैंने बोला ना सड़क भी नहीं है, टूरिज्म भी नहीं है, बैठने के लिए जगह भी नहीं है, और इवन की बाथरूम जाने के लिए यहाँ पर अच्छी से बाथरूम फैसिलिटी नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ के समझती क्या है, टूरिज्म विभाग समझता क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या समझती है, क्या यहाँ के लोग कहीं रहते ही नहीं इस इलाके इस देश में रहते? मुझे लगता है भाई साहब यहाँ से आपको पता है लोकल कुछ लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई केस है, बड़े यहाँ के लोग भी हैं, बड़ी वो भी कर रहे हैं, आम व्यक्ति जैसे हमें तो मुझे लगता है ये भेड़ बकरियों की तरह ही समझ रहे हैं, जिस सब प्रकार से जब भी हम बात करते हैं यहाँ नेटवर्क की दिक्कत आती है, टूरिज्म की बात करते हैं, हर एक बार जब हम बोलते हैं लोगों को ये होता है कि यार ये बोल रहे हैं बस खाली हमारे पीछे पड़े, जब भी आपको पता है रिसेंटली हम बहुत सारे इशू पर बात करते हैं तो हमेशा हमें ये वो ऊपर से टीज करते हैं कि यार ये ऐसे बोलते हैं ये फालतू में, इनका छोड़ो इनका साइड करो, मीडिया में भी बोलते रहेंगे, ये आज बोलेंगे दूसरे दिन बाइट बंद हो जाएगी, तीसरे 2 दिन तक चलेंगे उसके बाद कोई असर नहीं रहेगा। लेकिन जो डीसी डोडा है विशेष महाजन जी, मुझे लगता है आपकी आवाज़ उन तक पहुंचेगी और उनकी आवाज़ ऊपर तक अगर पहुंचे, मुझे लगता है आपके माध्यम से हमें उम्मीद है कि क्या लगता है जिस तरह डिप्टी कमिश्नर डोडा आए हैं, क्या लगता है वो काम करने वाले हैं? क्योंकि पहले भी डिप्टी कमिश्नर आए जो इनसे पहले थे, हमें तो नहीं लगा कि ग्राउंड में उन्होंने कोई ऐसा काम किया होगा। अभी जिस प्रकार से उनका वे ऑफ टॉकिंग है, जिस प्रकार से लोगों में उनका बातचीत करने का हमने एक बार ही देखा और हमने पीछे रिसेंटली भी कुछ चीज़ें ऐसी देखी,
खूबी कुछ ऐसी देखी, अभी आने वाले टाइम पे पता चलेगा, लेकिन आपके माध्यम से मैं डीसी डोडा से अपील करना चाहता हूँ कि सर आपसे एक बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को, और ख़ास करके जो लाल द्रमन के निवासी हैं यहाँ के बिजारनी एरिया, जो ला सजान एरिया है, यहाँ पे सबसे पहले एक तो मुझे लगता है सबसे पहले ये रोड 3-4 साल से लटकी हुई है, रोड कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, एक तो सबसे पहले रोड को तवज्जो दी जाए, दूसरा यहाँ पे नेटवर्क का इतना इशू है भाई साहब, अगर आप इधर लाइव करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपका फ़ोन भी सही से बात होगी उस पर, काफ़ी बार लाइव तो छोड़ो यहाँ पर फ़ोन पर बात नहीं होती। तो ये सारे बहुत सारे इशू हैं, आपके माध्यम से हम इस एक तो यहाँ पे टूरिज्म का जो हट बना है इसको फंक्शनल होना चाहिए विदिन टाइम में, मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शनल हो। आपसे एक और जानना चाहूँगा, अब आप फंक्शनल किस तरह से इसको चाहते हैं कि जो पैसा पहले निकाला है उसको भूल जाएं और नया टेंडर निकाल के उसको फंक्शनल किया जाए, जो पैसा निकला है उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और काम भी होना चाहिए। बिल्कुल, मैं दोनों चीज़ें चाहता हूं। मैं तो पहले चाहता हूं जो यहां पे काम इन्होंने जो पहले ठेकेदार ने जो टेंडर 1.5 करोड़ का निकला था उस पर जो कंप्लीशन होनी थी, जो कंप्लीशन वर्क होना था, मान के चलो कोई बिल्डिंग बनती है रईस भाई साहब, हम बाथरूम बनाते हैं उसको पेंट करते हैं, अगर इतनी टूरिज्म की बिल्डिंग है 1.5 करोड़ खर्चा किया, इनके पास 10 या 50 हज़ार या 30 हज़ार नहीं था पेंट करने के लिए, वहीं से पट्टी टॉप में भी टूरिज्म है पहाड़ पे, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पर सिया लोग आते हैं और इतनी अच्छी सी फैसिलिटी गंडोला वहाँ पर है, क्या कुछ वहाँ पर नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, यहाँ पर आपके पास पॉन्ड भी है, अगर वहाँ पर बोट चलेगी पानी होगा तो टूरिज्म यहाँ पर बढ़ेगा, कहीं ना कहीं लोग आएंगे। क्या लगता है आपको कि आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें आपके इस इलाके में, आपके इस लाल जबन में, आपके सजान में देखने को मिलेंगी? देखिए हमारी लोगों की तो जैसे ये अंकल जी ने कहा कि हमारी पूरी उम्र हो गई कि लाल दमन बनेगा तो हम यहाँ पे कुछ देखेंगे, देखो टूरिज्म बनता है भाई साहब, तो टूरिज्म बनने से यहाँ के इकोनॉमिकली कंडीशन ठीक होती, अगर ये हट सही होती तो यहाँ पे एक बंदे की दुकान भी चल सकती थी, मान के चलो वो टी स्टाली लगाता साइड पे, इनकी लोगों की ज़मीनें हैं, अंदर अगर बैठने के लिए सही था तब बनता ना, अगर ये अंदर से बाहर से सही चीज़ें नहीं बन रही हैं, यहाँ पे जितना पैसा आ रहा है मिसयूज हो रहा है, तो कहाँ वो चीज़ें, अगर कोई दुकान लगाता चाय तो बेचते हम भी पीते, लेकिन ना हमें यहाँ चाय है ना पानी है, क्या कैसे तो यही है भाई साहब, ये एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना और टूरिज्म के जो टूरिज्म विभाग के जो लोग हैं उनको सोचना, और खास करके मैं वो चाहते हैं कि आने वाले टाइम में मेला लगाएंगे यहाँ पर। देखिए मेला तो भाई साहब वो भी फाइनेंशियली, वो मेला भी यहाँ किस चीज़ का लगता है, आए यहाँ पे 10 लोगों को इकट्ठा किया और फाइनेंशियली 1.5 करोड़ का बजट बना दिया, वो पैसे भी हमारे टैक्स से जाते हैं, वो भी जाते हैं भाई साहब, आप मुझे बोलो आज तक यहाँ पे 3-4 मेले तो हो गए, एक मेले का भी यहाँ पे रिजल्ट नहीं निकला, अगर वो बोलते कि एक मेला लगा और दूसरे मेले के लिए हमने इन्होंने हट बना दी, 10 चीज़ें बना दी, यहाँ टूरिस्ट डेली आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेले से कुछ नहीं होगा, जो चीज़ें लग रही हैं, जो चीज़ें बन रही हैं वो फंक्शनल होंगी, लोग आएंगे बाहर से लोग आएंगे, और वो तभी आएंगे जब रोड फैसिलिटी होगी, जब यहाँ रहने की फैसिलिटी होगी, जब बाकी पीने पानी पीने, आपको पता है यहाँ से आपको 1 किलोमीटर दूर जाना है पानी पीने के लिए, तो पानी की फैसिलिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद यही आपके माध्यम से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो डीसी डोडा है उस पर एक्शन इस पहले इस बिल्डिंग पे लेंगे, और दूसरा उसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि जो ये जो टूरिज्म वाला ये बन रहा है पीछे रोड की भी दिक्कत है, और साथ साथ में रोड जो अभी अधूरी छोड़ी हुई कंप्लीट हो, पहले डिफेंस की होप थी लोगों को कि डिफेंस रोड आएगी वो भी गई, अब ये रोड बन रही है ये भी गई, मतलब आप लोग मुझे नीचे से आ रहा था सुबह तो गाड़ी जब लग रही थी लोग बोल रहे थे दोबारा हम इधर नहीं आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप जैसे व्यक्ति भी अगर ऐसी रोड रही दोबारा आप यहाँ पे आएंगे, हमें भी ऐसा देखते हैं। चलो उम्मीद और तवक्कुल है कि आने वाले टाइम में जिस तरह टूरिज्म विभाग खास तौर पर यहाँ पर काम कर रहा है, जिस तरह लाल दमन में काम कर रहा है, कहीं ना कहीं शर्मनाक है क्योंकि कई साल पहले ये बिल्डिंग यहाँ पर बनी थी, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा एस्टिमेशन यहाँ पर था, लेकिन एस्टिमेशन सिर्फ दी गई, ये बिल्डिंग सिर्फ बनाई गई, लेकिन इस बिल्डिंग को फंक्शनल कभी नहीं किया गया, इस बिल्डिंग के जो टैंक बनाया गया उसको कभी फंक्शनल नहीं किया गया, बस पैसा लगा दिया, ना ही कोई पूछताछ ना ही कुछ। उम्मीद और तवक्कुल है कि आने वाले टाइम में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा और जिस तरह का पैसा यहाँ पर लगाया गया उस पर भी कार्रवाई होगी, आखिर जितना पैसा कहा जा रहा है क्या वो पैसा यहाँ पर लगा है। उम्मीद है टूरिज्म विभाग, उम्मीद है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उम्मीद है डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है इस पर कार्रवाई करेंगे और आने वाले टाइम में लाल दमन पे खास तौर पर फोकस किया जाएगा और यहाँ पर टूरिज्म की पोटेंशियल जो है यहाँ के लोगों को खासतौर पर टूरिस्टों को दी जाएगी। तो आगे भी कोशिश करेंगे ऐसी खबरों के साथ आपको रूबरू करने की, जुड़े रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।